है कि नहीं? अब अगली समस्या की तरफ चलते हैं। आजकल बड़ा एग्जाम्पल लोग पढ़ते नहीं है पूरी तरीके से, आधा अधूरा ज्ञान लेकर और फिर कुछ भी मन घड़ंत बातें बना के फिर अपने आप को सांत्वना देते हैं। जैसे एक बात बड़ी प्रचलित है, इंटरनेट पे चलती है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ थी, तो हम तो कम से कम 16 गर्लफ्रेंड ही बना लें। तो आजकल और इससे काम वासना जागती है बहुत ज़्यादा, वो कमिटमेंट को मानते नहीं है, वो इस क्षणभंगुर चीज़ों को ट्रीट करते हैं, इन चीज़ों को क्षणभंगुर के हिसाब से ट्रीट करते हैं और ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कैसे उनको कैसे समझ में आया? जैसे एक मैं इसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि पहले शादियाँ, एक बार किसी से शादी हो जाती थी और शादी भी पुराने ज़माने में कैसे होती थी कि माँ बाप ने पसंद करी है और उसी से पूरी ज़िंदगी निकालनी है, वही है हमारी धर्म पत्नी। लेकिन आज वो नहीं है, आज खुद पसंद करते हैं और जो पसंद खुद कर रहे हैं वो भी 2 दिन बाद टिकती नहीं है, उसको फिर 2 दिन बाद तीसरी चाहिए। यहाँ से लैक ऑफ कमिटमेंट भी लाइफ में आती है जिससे वो कभी भी फिक्स नहीं कर पाता, ना अपने माइंड को ना अपने कमिटमेंट्स को। इससे ओवरकम कैसे करें, बाहर कैसे निकले? नया आईफोन निकलता है कितनी लंबी लाइन लगती है। हाँ, तो अमेरिका से अगर आईफोन लाओगे, अमेरिका से फेसबुक लाओगे, अमेरिका से इंस्टाग्राम लाओगे, व्हाट्सएप लाओगे, माइक्रोसॉफ्ट लाओगे, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी पाश्चात्य देश की लाकर यहाँ उसका उत्सव मनाओगे, तो पहले पाश्चात्य देश की टेक्नोलॉजी आएगी, फिर जीवन शैली भी आएगी। सत्य वचन वही हो रहा है। तो इसलिए 3 प्रकार के परिवार बताए गए हैं शास्त्रों में। पहला है पार्थिव रस। पार्थिव रस का अर्थ क्या होता है? जब तक मेरी इंद्रियां संतुष्ट हैं और आपकी इंद्रियां संतुष्ट हैं तब तक ये संबंध बना रहेगा। इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यू सेटिस्फाई मी, आई सेटिस्फाई यू, वी रिमेन टुगेदर। अगर थोड़ा सा भी डिससेटिस्फैक्शन आ गया, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। 44% बच्चे अमेरिका में आउटसाइड ऑफ मैरिज पैदा हो रहे हैं। सत्य। आप सोचिए, अगर हम लोग फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? सही है। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में उदाहरण देता हूँ, अमेरिका के एक कॉलेज में मैं गया था, वहाँ पर कोई युवा मिला, वो हिंदी बोल रहा था। उसको हिंदी बोलता वो देख के मैं चौंक गया। मैं बोला, यार तुम तो अमेरिकन लग रहा है, हिंदी कैसे बोल रहे? नहीं, पिताजी डाइवोर्स थे, तो मैं 17 साल की उम्र का हुआ तो पिताजी को कहा कि मैंने, मुझे सब कुछ अनुभव दिया आपने, बट परिवार का अनुभव नहीं मिला, मुझे परिवार का अनुभव चाहिए, मैं अकेला बड़ा हुआ। पिताजी ने उसको भारत भेजा। ओ, भारत में आकर वो किसी शहर में जाके पेइंग गेस्ट का देखा, तो वहाँ पर जाके पेइंग गेस्ट वालों को बोलते हैं, मुझे पेइंग गेस्ट बना लो 2 साल के लिए। 2 साल पेइंग गेस्ट बनाओ, क्यों? जस्ट टू एक्सपीरियंस फैमिली। और मुझे अगर परिवार का एक्सपीरियंस दिया तो हर महीने में 1,00,000 रुपये दूंगा रेंट। परिवार बोले, 2 साल क्यों, जिंदगी भर रहो। और बोले, अपने दूसरे भी मित्र उनको ही बुला लो। तो गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाला, 2015-2025 के बीच इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $1.4 trillion लगेगा, उसमें $800 billion फैमिली सेविंग से आएगा। वाह। जब तक फैमिली फीलिंग नहीं होगा, सेविंग कैसे होगा? ट्रू। तो इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि भारत का इकोनॉमी का सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट कॉर्पोरेट्स करते हैं, नहीं, फैमिलीज करते, हाउस वाइफ। ओह। जो घर पर सेविंग के लिए जो प्रेरित कर रही है, वहाँ से सब स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए भारत के संस्कृति संस्कार के अनुसार हमको अपनी अर्थव्यवस्था बनानी है। सही बात है। तो इसलिए पाश्चात्य देश का अनुसरण करते हुए अगर हम करते रहेंगे तो पार्थिव रस हावी हो जाएगा। रेस्टोरेंट में 4 आदमी अपना अपना बिल अलग अलग पे करते, कई बार ये देखा गया। दूसरा रस है, उसको कहते हैं स्वर्गीय रस। स्वर्गीय रस का अर्थ क्या है? कि हम दूसरे व्यक्ति को सुख देने के लिए खुद कुछ कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो। सेंस ऑफ सेक्रीफाइस। छोटा सा घर है, मेंबर्स बहुत हैं, वी आर विलिंग टू शेयर, एडजस्ट। और ये अपने आप पहले DNA में था ही। ट्रू। बहुत अच्छी तरह से था। ट्रू। अब 2 BHK 3 BHK भी कम पड़ता है। सही बात है। हर एक को लगता है, आई नीड माई ओन स्पेस, है कि नहीं? तो ये स्वर्गीय रस था और इसलिए ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बढ़िया चलता था। हाँ। अब स्वर्गीय रस, अब देखा गया कि कई बार परिवार का कोई ज्येष्ठ, भारत में मैं बहुत अपने भी फैमिली में देखा हूँ, कोई होते हैं वो शादी नहीं करते जीवन भर, क्योंकि उनके छोटे भाई बहनों के
पढ़ाई लिखाई शादी वगैरह के लिए उनको उत्तरदायित्व लेना पड़ता है, दे आर विलिंग टू सैक्रिफाइस, दैट वॉज पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, सत्य वचन, इसको कहते हैं स्वर्गीय रस। तीसरा है वैकुंठ रस, इसमें भगवान को केंद्र बनाए, घर में मंदिर बनाए, तो भगवान के सामने पूरा परिवार हर रोज कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा तो आरती में माथा टेकने आता है, दे आर ऑल एक्सेप्टिंग ये घर आपका है, हम आपके हैं, हम सब आपसे जुड़े हुए हैं। ये भारत के पारिवारिक इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग था। ट्रू। तो इसलिए हमें चाहिए कि कम से कम भारत में हम लोग जैसे जनवरी 22 तारीख को राम जन्मभूमि में रामलला के मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया, उसके बाद एक पूरा भारत अब राममय हो गया है, और इस लहर को आगे बढ़ाते हुए मतलब हमें प्रेरणा देनी है कि लोग हर घर को मंदिर बनाए। सत्य वचन। तो इसलिए आज का जो सनातन धर्म का अपना थीम है, जीव सनातन है, ईश्वर सनातन है, दोनों के बीच सेवा का संबंध सनातन है, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो इसलिए हर घर को अगर हम मंदिर बनाएं, और मंदिर बनाने के लिए कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद के सेवन के साथ अगर पारिवारिक सदस्य एक साथ आकर वैकुंठ रस का अनुभव करेंगे, तो वो परिवार फलेगा फूलेगा। और जैसे रामचंद्र जी ने उदाहरण दिखाया कि चाहे कितना भी रिलेशनशिप बीच में कट गया हो, फिर सीता देवी को लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो इस प्रकार हम लोग बहुत कुछ युवा पीढ़ी को समझा सकते हैं हमारे शास्त्रों के आधार पर। वाह,